ये बेचारे 15 कर्मचारी वहाँ गए थे, हम ज्वाइनिंग कराने के लिए भी गए थे नगर पालिका में, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद भी चेयरमैन लिखित रूप से रिटर्न बैक कर दिए कि हमारे पास न कोई पद है और न कोई इनको वेतन देने के लिए पैसा है। सर कहीं ना कहीं बात की जाए, जिस तरह आप वहाँ के संरक्षक भी हैं और आप उनके साथ स्वयं गए थे। जी हाँ, हम गए थे। तो आखिरकार जब यहाँ से इन लोगों का जब यहाँ जो भी कार्य समाप्त किया गया और वहाँ के लिए स्थानांतरण किया गया, तो आप लोगों ने वहाँ पे सवाल जवाब नहीं किया कि हम लोग वहाँ बलिया से भेजा गया है 15 लोगों के लिए? सवाल जवाब करने के बाद ही तो हम कहे उनसे कि भाई हम वहाँ से, ये शासन का आदेश है, शासन आदेश के तहत हम आए हैं और हमारे अधिकारी अधिशासी अभियंता रिलीव किए हैं, कार्यमुक्त किए हैं, यहाँ ज्वाइन करने के लिए हम आए हैं। तो वो कहे कि भाई आप शासनादेश से आए हैं लेकिन हमारे पास न पैसा है और न कोई पद रिक्त है। तो हम कहे सर ऐसे मौखिक तो हम जा नहीं सकते हैं, अगर जो आपको देना है तो आप लिखित हमको देंगे तभी हम रिटर्न बैक जाएंगे। और उस लिखित को लेकर के हम यहाँ आए और यहाँ हमारे अधिकारी आज तक ज्वाइन भी नहीं कराए। तो कहीं ना कहीं सर ये बात की जाए, जिस तरह यहाँ पे 15 कर्मचारियों को बलिया से वहाँ भेजा गया था, फिर वहाँ से भी वो लोग लिखित दे दिए, तो अब क्या लगता है कि बलिया में ये लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए, तो क्या आपकी पहल रहेगी, आप इनके साथ क्या कदम मिलाकर चलने का कार्यक्रम? भाई हम इनको बल देंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे, अपने प्रांतीय पदाधिकारियों से कहेंगे। अभी आज ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री को हम तैयारी में किए हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने ये माध्यम से शासन को भेजा जाए और हमारी ये पीड़ा को सुने और हमारा पीड़ा को दूर करें। जी मैं चंद्रभूषण, जनपद संयोजक, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी ग्रामीण कर्मचारी यूनियन के संयोजक हैं। आज सर बात किया जाए, जिस तरह आज आप लोगों का धरने का चौथा दिन हो गया, हाँ। क्या प्रक्रिया बनी? आज धरने का चौथा दिन हम लोगों का हो गया लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई हम लोगों का मतलब व्यवस्था नहीं किया गया, कोई सहूलियत नहीं दी गई, न कोई सुनने के लिए आया हम लोगों का दर्द कि आप लोग क्यों बैठे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे 3 बजे, और ज्ञापन देंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि कोई न्याय हम लोग को नहीं मिल जाता। ठीक है।